हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू एग्रीकल्चर एड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एग्रीकल्चर इड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हिना आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो बच्चों वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून एग्रीकल्चर लर्नर तेजस्वी निहारिका दामिनी शैलेंद्र वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों वेलकम इन द सेशन तो आई एम वेरी फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी बच्चों लास्ट टू थ्री डेज से मैं आप लोग का लास्ट टू डेज से एक्चुअली मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाई थी एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं uh, आप लोग का क्लास नहीं ले पाई थी आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बट अगेन आज हमारी क्लास है और आज मैं कुछ नए के साथ साथ कुछ पुराने क्वेश्चन भी करूंगी क्योंकि आपको पता है कि हमारा वीकली रिविजन होता है लेकिन अभी लास्ट टू डेज से हमारी क्लासेज नहीं हो रही थी तो कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं ठीक है बेटा तो वेरी हैप्पी टू सी यू गाइज दो दिन के बाद आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक नई एनर्जी मुझे आप लोगों को देख करके आ रही है तो चलो वेरी गुड आफ्टरनून अनुभव वेरी गुड आफ्टरनून गाइस वेलकम इन द सेशन वेरी गुड आफ्टरनून आकाश देव तो चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का सेशन लेकिन इससे पहले बच्चों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा ताकि आपको इसी तरीके से बाकी फैकल्टीज की भी क्लासेस मिल सके और साथ ही साथ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो बेटा क्योंकि इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिलती हैं काफ़ी सारी क्विजेस साथ में इसमें आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिलते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट मिलता है कम्युनिटी पर जाकर के आप मुझसे बात भी कर सकते हो और मेरा कॉन्टेंट भी आप उसमें देख सकते हो so, तो वेरी गुड आफ्टरनून एग्रीकल्चर लर्नर वेरी गुड आफ्टरनून गाइज वेलकम इन द सेशन तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरुआत हो जाए आज की सेशन की चलो तो बेटा आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं हाँ इससे पहले बेटा अभी एग्रीकल्चर के महापैक पर चल रहा है एट्टी परसेंट ऑफ ठीक है तो बेटा आप एटी परसेंट ऑफ चल रहा है तो आप अभी बैचेस में इनरोल अगर करोगे सॉरी इसमें सेवेंटी सेवन परसेंट आ रहा है एटी परसेंट वाला था तो एटी परसेंट ऑफ चल रहा है हमारे वो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के बैचेस पर है हमारे एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के बैचेस पर एटी परसेंट ऑफ है तो अगर आप किसी भी बैच में इनरोल करोगे तो आपको एटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा साथ में डबल वैलिडिटी भी ठीक है तो बैचेस में एटी परसेंट ऑफ है और एग्रीकल्चर महापैक पर है डबल वैलिडिटी चलो

चलो अब बताओ ओके मनीष कुमार ने आंसर किया है डिबैरी ओके बाकी बच्चे भी बताओ बेटा क्या राइट आंसर होगा बताओ <laughs> पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय पैरासेक्सुअलिटी को पहली बार किसने डिस्कवर किया था ओके तेजस्वी सिंह इरिक्शन इज राइट आंसर और निहारिका का भी आंसर है बी ओके तो बच्चा लोग देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा पोन्टिकॉर्वो होगा ठीक है पोन्टिकॉर्वो इज राइट आंसर तो बेटा इरिक्शन नहीं होगा पॉन्टिकॉर्वो राइट आंसर होगा पैरासेक्सुअलिटी जो है बेटा ये पॉन्टिकॉर्वो ने दिया था इसका कंसेप्ट ठीक है बच्चों चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा वायरस एंटर द प्लांट सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ तो बेटा जो वायरसेस हैं वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू एंटर करते हैं ऑस्मोसिस पिनोसाइटोसिस डिफ्यूजन या फिर प्लाज्मोलिस तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों बताइए मुझे वेरी गुड आफ्टरनून आज तो विश्व भी आई है वेरी गुड आफ्टरनून बेटा वेलकम इन द सेशन बाइलिंग क्वेश्चन लेके आइएगा मैम ओके ठीक है बेटा डेफिनेटली वैसे आपकी एक हिंदी वाली क्लास होती है वो ठीक बारह बजे होती है तो आप उस क्लास को भी अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो ठीक है चलो कोई नहीं बट आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चंस आपके लिए हिंदी में भी लेके आऊँ ठीक है चलो ओके पिनोसाइटोसिस ओके विशु ने आंसर किया पिनोसाइटोसिस बाकी बच्चे भी आंसर कर रहे हैं पिनोसाइटोसिस बिल्कुल सही बताया बेटा तो वायरस जो है पिनोसाइटोसिस के थ्रू एंटर करता है पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा पीना ठीक है तो कुछ प्रोसेस होती हैं बेसिकली इसमें एक होती है एंडोसाइटोसिस एक होती है एग्जोसाइटोसिस और एक होती है बेटा पिनोसाइटोसिस ठीक है तो एंडोसाइटोसिस होती है बेसिकली एंडोसाइटोसिस जब कोई भी चीज़ अंदर जाती है ठीक है एंडोसाइटोसिस उसको बोलते हैं जब भी कोई चीज़ जैसे कोई सॉलिड चीज़ अगर अंदर जाती है तो उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होता है कि बेसिकली कोई वाटर मॉलिक्यूल ठीक है या कोई डिजोल्व मॉलिक्यूल जब अंदर आता है बॉडी के तो उसको बोला जाता है बेटा पिनोसाइटोसिस ठीक है तो वायरस जो है बेसिकली इसी तरीके से पिनोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ठीक है वाटर के मतलब डिजोल्व फॉर्म में जनरली पिनोसाइटोसिस की तरह ये एंटर करता है तो जैसे किसी सेल को अगर किसी वाटर मॉलिक्यूल को कंज्यूम करना है ठीक है for example, जैसे अमीबा है फॉर एग्जांपल ठीक है जैसे अमीबा है फॉर एग्जांपल बेटा तो कोई वाटर मॉलिक्यूल है इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर इसे कंज्यूम करना है तो इस वाटर मॉलिक्यूल के आगे क्या करेगा जाएगा इसके पास एक वेसिकल स्ट्रक्चर बनाएगा और इसको अपने अंदर ले लेगा तो वाटर मॉलिक्यूल को जब वो कंज्यूम करता है तो उसको बोला जाता है पिनोसाइटोसिस और जब किसी सॉलिड uh, फूड को करता है तो उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस ठीक है हेलो पूजा वेलकम इन द सेशन अच्छा शुभम भी आए हैं सेशन में चलो वेरी नाइस nice. चलो बच्चों तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम द वायरसेस सो दैट दे आर सेंसिटिव टू टू तो बेटा आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा पेनिसिलियम, टेट्रासाइक्लिन, या वो वायरसेस तो से डिफरेंट क्यों होते हैं ठीक है और ये क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछ रहा है, है, तो है? क्वेश्चन में, में उसने डायरेक्टली बताया है कि ये वायरसेस से डिफरेंट होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं तो पेनिसिलिन के लिए टेट्रासाइक्लिन के लिए शुगर के लिए या फिर अमाइनो एसिड के लिए ओके विशु ने आंसर किया है बी बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए तो डेफिनेटली बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी टेट्रासाइक्लिन अच्छा बच्चों मैं ना आज आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बताती हूँ एक ठीक है ध्यान से सुनना ये अक्सर आपके पास आता भी है और पूछा भी जाता है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है ठीके? ध्यान से सुनना बेटा माइक्रोप्लाज्मा माइक्रो प्लाज्मा आपको पता है ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती है ना जिनमें वॉल नहीं होती है ठीक है वायरसेस भी हमारे ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती वायरसेस भी ऐसे ही होते हैं उनमें तो कोई सेल वॉल नहीं होती लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सेल्स होती हैं ये बैक्टीरियल सेल्स होती हैं कोशिकाएं होती हैं वायरसेस जो होते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं है उनमें सेल नहीं होती है ठीक है तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे माइको प्लाज्मा में सेल नहीं होती ठीक है और एक होते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया आप लोगों ने सुना होगा एल फॉर्म बैक्टीरिया के बारे में ठीक है तो ये जो एल फॉर्म बैक्टीरिया है कई बार इनके और माइको प्लाज्मा के डिफरेंस के बारे में पूछ लेता है ठीक है कि एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं और साइकोप्ला और माइको प्लाज्मा क्या होते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछ लेता है तो ये चीज़ मैं आपको अलग से बता देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एल फॉर्म बैक्टीरिया में भी नो सेल वॉल ठीक है एल फॉर्म बैक्टीरिया में भी नो सेल वॉल बेटा इसमें भी सेल वॉल जनरली नहीं देखी जाती है ठीक है मेरे बच्चों तो एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिर जब माइको में भी सेल वॉल नहीं होती है और जब एल फॉर्म बैक्टीरिया में भी सेल वॉल नहीं होती है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है तो बेटा इनके बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि जो माइको है ये होती ही ऐसी सेल्स हैं जिनमें कभी भी सेल वॉल मिलती ही नहीं है ठीक है जिनमें कभी भी सेल वॉल मिलती ही नहीं है लेकिन बेटा जो अगर हम बात करते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया की तो एल फॉर्म बैक्टीरिया ऐसी सेल्स होती हैं जो उन सेल से मिलती हैं जिनमें सेल वॉल होती है ठीक है एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है उसमें सेल वॉल है उसमें पैप्टाइडो की सेल वॉल है आपको पता है कि बैक्टीरिया में पैप्टाइडो की सेल वॉल होती है तो देखो बेटा कभी कभी क्या होता है कि किसी एंटीबायोटिक की वजह से जिसे पेनिसिलिन ऐड कर दिया उस एंटीबायोटिक की वजह से उसकी एक्सटर्नल लेयर जो है वो टूट जाती है यानी कि पेनिसिलिन किस पे एक्ट करता है सेल वॉल पे वो सेल वॉल को तोड़ देता है तो कभी कभी इस वजह से क्या होता है एंटीबायोटिक की वजह से उसकी सेल वॉल टूट जाती है और जब उसकी सेल वॉल टूट

लेकिन कभी कभी नॉर्मल बैक्टीरिया में एंटीबायोसिस की वजह से यानी कि एंटीबायोटिक की, एंटी की वजह से इनका जो सेल वॉल है वो टूट जाता है ब्रेक हो जाता है और फिर हम इस फिर ये विदाउट सेल वॉल हो जाते हैं और तब हम इनको बोलते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया तो ये कभी भी विदाउट वॉल नहीं ये बाद में विदाउट वॉल होते हैं ठीक है तो बच्चा इनका डिफरेंस याद रखना कि इनकी ओरिजिन विदाउट वॉल नहीं होती है ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक रंजन वेलकम इन द सेशन बेटा तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा टी आई प्लाज्मिट इज प्रेजेंट इन टी आई प्लाज्मिट बेटा में प्रेजेंट होता है ये बताइए एग्रो बैक्टीरियम में होता है या फिर एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेश्स में होता है जायलेला फास्टिडा में होगा या फिर जेंथोमोनास में होगा तो बच्चा लोग बताइए यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा कि आपका जो टी आई प्लाजमिट है वो किस में प्रेजेंट होगा बताइए ओके okay, विशु ने सबसे पहले आंसर किया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस ओके okay, इसका भी आंसर आया है बी ओके okay. आप पूछा महिमा गुप्ता वेरी गुड शाबाश बेटा बिल्कुल सही बता रहे हो सारे बच्चे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस हाँ निहारिका जीत साहब लीजा शुभम और अमित यादव बिल्कुल सही बताया बेटा हाँ दामिनी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जीत साहब जाट साहब सॉरी जाट साहब आपका आंसर भी मैंने देख लिया है बिल्कुल आप एक बार भी आंसर करोगे तो भी मैं आंसर देख लेती हूँ ठीक है हाँ शुभम त्यागी बिल्कुल सही बताया बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेश्स चलो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमेट होता है टी आई का मतलब होता है बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट ठीक है जो ट्यूमर को कॉज करता है ओके चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा प्लाज्मा रिंग स्पॉट इज कॉज बाय तो बेटा प्लाज्मा रिंग स्पॉट कौन सा पैथोजन कॉज करता है ये बताइए वायरस कॉज करेगा कुकुमो वायरस कॉज करेगा कोमो वायरस कॉज करेगा या फिर टोबेमो वायरस कॉज करेगा तो बच्चे लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए ओके okay. नीलम धाबा साहू का आंसर आया है बी ओके okay. इसका आंसर आया है ए ठीक है महिमा गुप्ता का भी आंसर आया है डी ओके okay. जाट साहब ने ए आंसर किया तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वायरस तो बेटा पपाया रिंग स्पॉट रिंग स्पॉट जो है बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है और इस वायरल इन्फेक्शन को कॉज करते हैं बेटा पोटी वायरस चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है वन ऑफ द केमिकल वेपन सिक्रिएटेड बाई द पैथोजन इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज इन दी प्लांट्स तो दैट इज पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स फाइटोटॉक्सिन फाइटोएलेक्सिन या फिर टॉक्सिन तो बेटा बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन समझ लो ध्यान से क्या बता रही हूँ वन ऑफ द केमिकल वेपन एक केमिकल वेपन आप लोगों ने केमिकल वेपन्स बायोलॉजिकल वेपन सुने होंगे जैसे uh, कोरोना वायरस है तो या जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उनको जब यूज़ करा जाता है ऐसे डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म को किसी भी कंट्री को ख़त्म करने के लिए इस तरीके से तो उनको बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है तो इस तरीके से केमिकल वेपन्स भी होते हैं जो कुछ केमिकल्स जो दूसरों को थ्रेटन करें ठीक है तो ये केमिकल वेपन्स जो होते हैं जो पैथोजन सिक्रीट करता है प्लांट में ठीक है पैथोजन सिक्रीट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज इन अ प्लांट्स तो उसे क्या बोला जाता है पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स फाइटोटॉक्सिन या फिर फाइटो एलेक्सिन या फिर टॉक्सिन बताइए ओके सी और डी भी आंसर आया है ओके okay, बी भी आंसर आया है ओके okay. तो बच्चा मैं यहाँ पर आपको राइट right आंसर बता देती हूँ क्वेश्चन यहाँ से देखो केमिकल वेपन वो आपसे पूछ रहा है केमिकल वेपन सिक्रीटेड बाय पैथोजन जो पैथोजन सिक्रीट कर रहा है ठीक है मेरे बच्चों और प्रोडक्शन ऑफ द डिजीज और डिजीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो बेटा पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स कुछ भी हो सकता है चलो इसको छोड़ देते हैं फाइटोटॉक्सिन फाइटो मीन्स क्या होता है बेटा प्लांट फाइटो मीन्स क्या होता है प्लांट एंड टॉक्सिन मीन्स जहर तो फाइटोटॉक्सिन बेसिकली जो प्लांट का टॉक्सिन है ठीक है उसको बोलते हैं फाइटोटॉक्सिन फाइटो एलेक्सिन फाइटो एलेक्सिन अलग हो गया और टॉक्सिन तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी टॉक्सिन क्या राइट right आंसर हो जाएगा बेटा इसके लिए टॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है मैंने यहाँ पर फाइटो टॉक्सिन किया पर टॉक्सिन यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा द फेनेरोगैमिक पैरासाइट द फेनेरोगैमिक पैरासाइट विद द सॉर्गम क्रॉप तो आपको ये बताना है कि कौन सा फेनेरोगैमिक पैरासाइट है जो सॉर्गम क्रॉप के साथ होता है बताइए स्ट्रीगा होगा बेटा और ब्रांची हो गया लॉरेंथस हो गया या कस्कटा हो गया तो राइट right आंसर क्या होगा बेटा बताइए फेनेरोगेमिक प्लांट्स जो फेनेरोगेमिक पैरासाइट हैं बेसिकली सोरगम क्रॉप के लिए ये कौन से होते हैं बताओ हाँ जाट साहब बहुत खुश हो गए हैं आंसर सही हो गया इसलिए वेरी गुड आफ्टरनून रामनंद शो वेलकम इन द सेशन ओके लीजा और ओकेस का आंसर आया है ए ठीक है स्ट्रीगा इन दोनों बच्चों ने किया है स्ट्रीगा आंसर ठीक है पूजा का भी आंसर आया है ए दामिनी मनीष निहारिका और महिमा ओके शुभम का भी आंसर आया है ए ओके तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाए हाँ स्ट्रीगा बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीगा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीगा और ब्रांची नहीं होगा ये गलती से आ गया और ब्रांची यहाँ पर शायद मिस मिसप्रिंट हो गया चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है बेटा आपका द टेलियोस्पोर ऑफ कॉफी रस्ट ठीक है टेलियोस्पोर ऑफ कॉफी रस्ट पैथोज कॉफी रस्ट पैथोजन तो बेटा जो टेलियोस्पोर होता है बेसिकली कॉफ़ी लीफ रस्ट पैथोजन का वो कैसे शेप का होता है आपसे पूछ रहा है ये आपका टर्निप शेप का होगा ये आपका बीन शेप का होगा ये सिकल शेप का होगा या फिर डंबल शेप का होगा तो राइट आंसर क्या होगा बताइए आज लेट हो गया सॉरी कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं YouTube में फायदा एक है वैसे तो ट्राई करो कि आप टाइम से आओ बट ये है कि आप आगे का देख सकते हो ठीक है देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं चलो ओके okay, इसका आंसर आया है सी ठीक है सिकल शेप ओके सिकल शेप ओके यहाँ पर मैं रस्ट पैथोजन की बात कर रही हूँ ठीक है गाय वो भैंस के हॉर्ंस की बात नहीं कर रही हूँ सिकल ओके okay. तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सिकल बेटा बीन शेप हो जाएगा ठीक है बीन शेप हो जाएगा तो टेलियो स्पोर जो होते हैं बेसिकली कॉफी रस्ट के कॉफी रस्ट पैथोजन के वो बीन शेप हो जाएंगे सिकल शेप कैसे होते हैं बेटा चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बनाना स्ट्रीक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय तो बेटा जो बनाना स्ट्रीक वायरस है उसको कौन ट्रांसमिट करता है उसको मीली बग ट्रांसमिट करता है उसको थ्रिप्स ट्रांसमिट करते हैं व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करती है या फिर माइट्स ट्रांसफर करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ हाँ और नलाइकों आज से मतलब इतने दिनों बाद तुम लोग सेशन देख रहे हो और फिर भी किसी ने सेशन को लाइक नहीं किया ये बहुत गलत बात है जल्दी से सेशन को लाइक भी करो हाँ वेरी गुड आफ्टरनून अंकिता भूमिका वेरी गुड आफ्टरनून बेटा वेलकम इन द सेशन कैसे हो आप मैम मैं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और बेटा आज आप लोगों की आई की क्लास भी है इसके बाद ठीक है तो भूलना नहीं आप लोग इसके बाद वाला जो क्लास है वो पेड है आप लोगों का आई का क्योंकि आप लोग का भी ये कल क्लास नहीं हो पाया था ना तो इसलिए आज मैंने शेड्यूल किया है ठीक है हाँ जी एग्री एग्रियंस हेलो सी ओके तो बच्चे कह रहे हैं सी राइट आंसर होगा माइट्स भी कह रहे हैं तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा मिली बग ठीक है मिली बग राइट आंसर हो जाएगा चलो आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर ग्रेट बंगाल फेमाइन जो ग्रेट बंगाल फेमाइन है 1943 का इट वाज ड्यू टू ये किसकी वजह से हुआ था बेटा पेडी ब्लास्ट की वजह से हुआ था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस की वजह से हुआ था बैक्टीरियल बीएलबी यानी कि बैक्टीरियल लीफ लाइट की, की वजह से हुआ था या फिर राइस टंगरो तो बेटा कौन सी डिजीज की वजह से ग्रेट बेंगाल फेमाइन आया था बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बी ओके बी 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 ओके तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिंग बी इज राइट आंसर ओके तो बिल्कुल बेटा राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ठीक है जिसको हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी ने कॉस किया था किसने कॉज किया था बेटा हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी ने इस इन्फेक्शन को कॉज किया था जिसे हम कहते हैं बेटा ग्रेट बेंगाल फेमाइन और इसी वजह से बंगाल में प्री इंडिपेंडेंस एरामी फेमाइन भी आया था ओके वेरी गुड आफ्टरनून पुलकेत वेलकम इन द सेशन बेटा हाँ बिल्कुल 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 अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं लीव पर थी ठीक है चलो कोई नहीं नाउ आई एम बैक आगे चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है द कॉजल एजेंट ऑफ़ फूट रॉट और डिजीज ऑफ राइस तो बेटा आपको ये बताना है कि बैकेन डिजीज ऑफ राइस का कॉजल एजेंट कौन सा है जिबर्लिक जिबर्लिक एसिड या फिर सॉरी कौन सा वो प्रोड्यूस करता है बैकेन डिजीज ऑफ राइस या कॉजल एजेंट ऑफ फूट रॉट ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है जिबर्लिक एसिड फिजेरिक एसिड बोथ या फिर नन ऑफ दीज बताइए मैम uh, दो दिन से आपका वेट कर रहा हूँ अच्छा हाँ पुलकित आई एम वेरी सॉरी बेटा एक्चुअली मैंने आप लोग के कुछ कमेंट्स देखे थे बट आई वाज नॉट वेल मैं उस टाइप भी ठीक नहीं थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से फिर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई मैंने सडनली देखा था ठीक है चलो अब बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा बोथ ओके okay, बच्चे कह रहे हैं बोथ राइट आंसर होगा ओके बोथ 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 चलो ओके तो बेटा यहाँ पर बेसिकली आपका राइट right आंसर हो जाएगा फ्यूजेरिक एसिड फ्यूजेरियम भी होता है और जिबर जिबरलिक एसिड भी होता है बेसिकली तो मेनली वैसे तो बोथ होगा इसका राइट right आंसर ठीक है वैसे तो बोथ होगा इसका राइट right आंसर लेकिन जनरली हम जी एसिड लिखते हैं जनरली ठीक है वैसे बहुत भी है फ्यूजेरिक एसिड भी है क्योंकि फ्यूजेरियमोली फॉर्मिस करता है ना चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज बाय तो बेटा जो रेड रॉट है बेसिकली शुगर केन का वो कौन कॉज करता है कलेक्ट्रोट्राइकम करेगा एक्रीमोनियम करेगा या फिर लेप्टो या फिर आपका लेप्टोस्फेरा करेगा या फिर ड्रेच स्लेरा करेगा राइट आंसर बताइए कैसा क्या होगा Uh, मैम तबीयत कर... अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो यार बीमारी बीमार कोई भी नहीं होना चाहिए पता है जब दो दिन में बीमार थी ना तो यार बहुत हालत ख़राब होती है पता है मतलब बहुत दिक्कत होती है इसलिए कभी भी नहीं यार ऐसा ऐसा मत बोलो ऐसे सोचो कि किसी को हो ही ना कोई बीमारी ना हो मैं तो ये चाहती हूँ ना मैं और ना मेरे कोई भी बच्चे कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए क्योंकि यार बहुत बहुत तबीयत जब तबीयत खराब होती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है है ना चलो कोलेक्टो ट्राइकम शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो कोलेक्टो ट्राइकम फलकेटम राइट आंसर हो जाएगा ठीक है वैसे आप लोग का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है यार चलो कलेटोराइगम फल के शाबाश बिल्कुल चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन है आपका पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज बाय तो बेटा जो पनामा डिजीज है बेसिकली बनाना की वो कौन करेगा फ्यूजेरियम सोल रालस्टोनिया रोडोफस या फिर पेंटलोनिया निग्रो पेंटलोनिया निग्रा नर्वोसा राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए अच्छा थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच चलो अब बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा आपसे पूछ रहा है कि पनामा डिजीज़ जो है बेसिकली बनाना की ये कौन कॉज करेगा बताओ अच्छा मुझे क्रिक, क्रिक, चिकन पॉक्स हो गया है और कल का मेरा पेपर आरआरबी का आरआरबी पीओ का बैठने देंगे यार ये डिपेंड करता है वैसे आ, ये डिपेंड करता है यार वैसे तो आ, आप एक बार आ, देख लेना एक बार आ, जब तबीयत ठीक नहीं है तो आई थिंक आप शायद खुद भी अवेल नहीं होगे कि आप एग्ज़ाम दो ठीक है बट ये डिपेंड करता है कि बैठने देते हैं या नहीं बैठने देते हैं ठीक है चलो बताओ तो बेटा ठीक ठीक है है हो जाएगा ओके चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका फ्लैजिलेशन इन शिडोमोनास शिडोमोनास में कितने फ्लैजिला होते हैं बताइए बेटा लोफोट्राइकस मोनोट्राइकस पेरी या एम्फी बताओ राइट right आंसर क्या होगा यहां पर राइट आंसर right क्या होगा यहां पर बताओ मैम बी एस सी ए जी सैम का एग्जाम है ट्वेल्थ अगस्त को ट्वेल्थ अगस्त से ओके okay, अच्छा अच्छा आपके एग्रीकल्चर आप आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट पुल आई होप कि आप बहुत अच्छे से आई होप नहीं आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे क्योंकि आप डेली क्लास भी अटेंड करते हो आप अच्छे से पढ़ते भी हो है ना चलो फिजेरियम ऑक्सीपोरम ओके डी 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 ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग राइट आंसर बेटा इसका राइट right आंसर हो जाएगा एम्फी ठीक है एम्फी ट्राइकस तो बच्चा लोग जो हमारा है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है शुडोमनास इसका दोनों साइड से फ्लजला निकलता है बेटा ठीक है यहाँ से भी और यहाँ से भी तो जो आप पेरी बोल रहे हो पेरी का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बॉडी से इस तरीके से फ्लैजला निकलते हो तो इस तरीके से नहीं होता ये एम्फी होता है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का केमिकल नेचर क्या होता है बताइए अमाइनो एसिड है या फिर प्रोटीन है या फिर फैटी एसिड है या फिर स्टेरॉइड है राइट right आंसर क्या होगा बेटा बताइए ये मैं आपको करवा चुकी हूँ अब यहाँ से रिविजन क्लास शुरू हो गई अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए है ना चलो अब बताओ बेटा हाँ टू साइड फ्लैजिलेशन बिल्कुल आज मुझे लग रहा है जाट साहब बहुत खुश हैं है ना चलो ओके डी ओके तो बेटा बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरॉइड ठीक है हाँ बिल्कुल मैम एक्सप्लेन कर दीजिए क्या एक्सप्लेन कर दूँ बेटा देखो सिंपली क्या होता है कि जो फ्लेजिला है वो मैंने आप लोग को बताए हैं फ्लैजेला क्या होता है एक लंबी सी डंडी होती है बैक्टीरिया के पीछे से ठीक है इस तरीके से जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी में एक लंबा सा लगा हुआ थ्रेड लाइक धागे की जैसा एक पार्ट होता है जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ना तो ऐसे इनका एक पार्ट होता है उसको बोला जाता है फ्लैचला और ये उनको मूवमेंट यानी कि चलने फिरने में मदद करता है तो इसके जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखते हैं जैसे एक फ्लैजला है इसमें ठीक है तो इसको बोलोगे आप मोनो अगर यहां से दो फ्लैजला निकल रहे हैं या तीन निकल रहे हैं तो एक ही जगह से तो उसको बोलोगे आप लोफो अगर ये अलग अलग जगह से निकल रहा है आप, पेरी ट्राइकस। और अगर बेटा सिर्फ यहां से और यहां से निकल रहा है तो उसको बोलोगे आप एम्फी ट्राइकस ठीक है हाँ बिल्कुल तो बेटा चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यस बिल्कुल फॉर लोकोमोशन ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज्ड बाय तो बेटा जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ये कौन कॉज करता है बताओ वायरॉइड इन्फेक्शन है या फिर फाइटोप्लाज्मल इन्फेक्शन है स्पाइरोप्लाज्मल इन्फेक्शन होगा या फिर ये वायरल इन्फेक्शन होगा बताइए बेटा इसके लिए राइट आंसर क्या होगा बताओ Potato spindle ट्यूबर डिजीज इज कॉज बाय तो जो potato स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ये कौन कॉज करेगा बताओ जल्दी से ओके वायरोइड ओके 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 तो बच्चे कह रहे हैं वायरॉयड राइट आंसर होगा ठीक है पक्का वायरॉइड होगा चलिए देख लेते हैं बेटा तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज वायरॅट ठीक है हाँ बिल्कुल सही बताए ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अब आपको ये बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये सारे आपके फाउल हैं यानी कि आपके पोल्ट्री मुर्गे हैं और ये इनके जियोलॉजिकल नेम है अब आपको ये बताना है कि किसका जोलॉजिकल नेम सही नहीं है गैलस गैलस और गैलस बैनविका रेड फाउल गैलस गैलसलोन जंगल फाउल सोनेरेटी जिवेन जंगल फाउल गैलस वेरियस ग्रे जंगल फाउल अब आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा बताओ मैम मेरे कोर्स का नाम फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी है अच्छा आपका जो कोर्स पढ़ रहे हो उसका नाम फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी हाँ क्योंकि हम बेसिक पढ़ते हैं ना बैचलर में इसलिए उसका नाम होता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी नॉट ओनली पैथोलॉजी क्योंकि पैथोलॉजी तो ह्यूमंस की भी होती है हम एग्रीकल्चर वाले प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं ठीक है सी एंड डी बोथ आर रिवर्स ओके तो याद है सबको शाबाश बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा बच्चा बच्चा तो यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल सही है ये दोनों गलत हैं इनका रिवर्स हो जाएगा है ना तो गैलस वेरियस जो है बेटा ये किसका नाम है जंगल फाउल का है करवा रखा है मैंने है ना बिल्कुल और जो गैलसोन है बेटा ये किसका है ग्रे जंगल फाउल का है ठीक है चलो शाबाश बिल्कुल सही बताया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका द ब्रीड इज द ब्रीड इज ऑफ इंग्लैंड ओरिजिन इट हैज लॉन्गर रेक्टेंगुलर बॉडी एंड स्टैंडर्ड वेट ऑफ कॉक इज फोर पॉइंट जीरो के जी एंड हैन इज थ्री पॉइंट वन के जी तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसी ब्रीड जो इंग्लैंड ओरिजिन की है और उसका बॉडी जो है वो रेक्टेंगुलर है ठीक है तो पूछ रहा है कि उसका जो कॉक का जो वेट है वो फोर पॉइंट जीरो है और हैन का वेट फीमेल का थ्री पॉइंट वन है तो पूछ रहा है कि वो कौन सी ब्रीड होगी बताओ राइट आंसर क्या होगा जो दिप्लैक हैलो वेलकम इन द सेशन ओके सुसेक्स ओके तो बच्चे कह रहे हैं सुसेक्स निहारिका और तेजस्वी पूजा ये बच्चे कह रहे हैं सुसेक्स राइट आंसर होगा ओके 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 एफ का बैच कब से स्टार्ट हो रही है मैम एफ का बैच बेटा एट्थ ऑफ ऑगस्ट से शुरू हो रहा है सेशन के एंडिंग में मैं बता दूँगी वैसे अभी एटी परसेंट ऑफ चल रहा है तो आप इनरोल कर सकते हो ठीक है और ये कोड यूज़ कर सकते हो बाई चार सौ ठीक है चलो ओके okay. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बताया सुसेक्स वैसे तो ऑर्फिंगटन ये भी हमारा क्या है इंग्लैंड ओरिजिन का है कॉर्निश भी है और रोडे आइलैंड रेड जो है ये हमारा अमेरिकन ओरिजिन का है ठीक है मैंने आपको उस दिन भी बताया था बाकी ये सारे इंग्लैंड ओरिजिन के हैं लेकिन सुसेक्स का जो बॉडी होता है काइंड ऑफ वो कुछ इस तरीके से होता है रेक्टेंगुलर लगभग लगभग वो रेक्टेंगुलर सा लगता है ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा हाँ सुसेक्स लग रहा है सुसेक्स ही है बेटा चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8 डीएफ इज यूज टू कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आपको पूछ रहा है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है बेटा वो किसके लिए यूज करा जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए डाउनी विडियो डिजीज के लिए एंथ्रेक्नोज के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज के लिए राइट right आंसर क्या होगा बताओ बेटा आर 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 आई आर रोडे आईलैंड रेड अमेरिकन ओरिजिन का है बेटा अमेरिकन ओरिजिन का है चलो अब बताओ यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज ओके बाकी बच्चे भी बताओ बेटा पूजा इज ऑल्सो सइंग डीज राइट आंसर जाट साहब ओके okay, स्निहारिका ओके okay, ऑल तो सारे बच्चे कह रहे हैं ऑल राइट आंसर होगा तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा डेफिनेटली इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है बेटा आपका डाइफेनाकोनाजोल डायफेनाकोनाजोल 25 परसेंट जो है बेसिकली ये किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करा जाएगा तो भैया एप्पल स्कैब में यूज़ करा जाएगा ये पेडी शीथ ब्लाइट में यूज़ करा जाएगा या फिर राइस शीथ ब्लाइट में यूज़ करा जाएगा डाईबैक और फ्रूट रॉट ऑफ चिली में यूज़ करा जाएगा या फिर ये ब्लाइट में यूज़ करा जाएगा या ऑल ऑफ दीज राइट आंसर क्या होगा लेट ब्लाइट फाइटोफोरा इन्फेस्टांस आयरिस फेमाइन बिल्कुल सही चलो अब इसका राइट आंसर बताओ बेटा क्या होगा ऑल ऑफ द अब ओके फिर सारे बच्चे कह रहे हैं ऑल ऑफ द अब राइट आंसर देख लेते हैं तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अब तो बेटा जो आपका डाइफ है ठीक है डाईफेनाकोनाजोल है ये आपका एप्पल स्कैब में भी यूज़ करा जाता है ये आपका पैडी राइ पेडी या शीथ ब्लाइट ऑफ राइस में भी यूज़ करा जाता है डाईबैक और फ्रूट रॉट ऑफ चिली में भी यूज़ करा जाता है या फिर ये आपका ब्लाइट एंड पाउडरी मीडियो में भी यूज़ करा जाता है ठीक है हाँ बिल्कुल ऑल राइट आंसर हो जाएगा तो देखो एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमें एप्पल स्कैब का पता चल गया हमें इसका पता चल गया देखो चार डिजीज का हमें पता चल गया तो एक क्वेश्चन से हमें चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हमें चार क्वेश्चन के आंसर मिल गए और इससे पहले भी हमें आठ क्वेश्चन तो हमारे ए, दो ही क्वेश्चन में बन गए है ना चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका uh, कैरिब्रो विशाल इज यूज फॉर दी दर्पज ऑफ तो बेटा जो कैरिब्रो विशाल है उसको किस परपज के लिए यूज करा जाता है मीट परपज एग पर्पस, बोथ या फिर नन ऑफ दीस मैम ये पहले क्वेश्चन करवा चुके हो बेटा पुलकित आज क्या है आज सैटरडे है और सैटरडे को हम क्या करते हैं बेटा वीकली रिविजन करते हैं करते हैं ना तो पहले तो मैंने आपको नए क्वेश्चन करवाए ठीक है क्योंकि आज काफी दिनों से आपका क्लास नहीं हो रहा था तो पहले फोर्टीन फिफ्टीन मैंने आपको नए क्वेश्चन करवाए फिर उसके बाद यहां पर हम लोग आए जो पुरानी क्लासेस हैं हमारी क्योंकि सैटरडे है और वीकली रिवीजन इंपॉर्टेंट है हमारा है ना चलो हम अपना शेड्यूल नहीं खराब कर सकते ना मीट पर्पस ओके तो बेटा इसका राइट right आंसर हो जाएगा मीट पर्पस तो बेटा जो कैरिरो विशाल है बेसिकली इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं मीट पर्पस के लिए जबकि करी प्रिया को हम एग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मैंने आपको बताई भी थी ये बात है ना चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा हाँ बिल्कुल रिविज़न होता है हमारा है ना

चलो हाँ कैरी विशाल ब्रीड बिल्कुल कार्बेंडाजिम ओके तेजश्री और निहारिका सिंह सी कार्बेंडा जिम इज राइट आंसर ओके ओके पूजा दोनों तो बच्चे कह रहे हैं सी राइट आंसर होगा ओके तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली कार्बेंडा जिम ठीक है तो जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है पैडी की उसमें हम क्या यूज करते हैं बेटा कार्बेंडा यूज करते हैं चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दो द मोस्ट कॉमनली यूज क्रायो प्रोटेक्टेंट फॉर द फ्रीजिंग ऑफ सीमेंट तो बेटा सीमेंट फ्रीजिंग के लिए कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करा जाता है ग्लिसरॉल यूज करा जाता है फॉस्फेट रेड ऑयल या फिर कोलेजन मैम मैं भूल गया था कोई बात नहीं बेटा वैसे इस बार तो मुझे ये लग रहा है कि ये वीक बहुत जल्दी इस चला गया इस वीक का सैटरडे बहुत जल्दी आ गया सैटरडे संडे मुझे भी खुद यही लग रहा है मॉर्निंग में मैं सोच रही थी कि ये कौन सा दिन है तब तो मुझे ध्यान आया अरे यार सैटरडे है जब मैं पेड ग्लास की पीपीटी बना रही थी तो तब तो मुझे ध्यान आया मैंने कहा यार सैटरडे बड़ी जल्दी आ गया इस बार है ना चलो ओके ए ए ओके सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ए इज राइट आंसर ओके पवन और मनीष भी आ गए हैं ग्लिसरॉल करेक्ट ओके तो बिल्कुल सही बताया बेटा ग्लिसरॉल राइट आंसर हो जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्यूजेरियम ब्लाइट अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि जो फ्यूजेरियम ब्लाइट है ये कौन सी क्रॉप में होता है और इसको रिपोर्ट पहली बार किसने किया था मेज में किया था स्टीवर्ड ने किया था राइस में हो रही ने किया था बनाना में होराई ने किया या फिर शुगर केन में विल ब्लिंट ने किया था बताओ राइट आंसर क्या होगा देखो एग्रीकल्चर लर्नर यह नलायक हंस रहा है देखो कि मैम को भी नहीं पता कि सैटरडे इतनी जल्दी आ गया है ना चलो बनाना होराई ओके मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर सही बनाना होराई इज राइट आंसर नहीं बेटा होराई तो सही है लेकिन राइस है फ्यूजेरियम ब्लाइट की बात कर रहा बच्चे फ्यूजेरियम ब्लाइट की बात कर रहा अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्यूजेरियम ब्लाइट फ्यूजेरियम मोनिली से इन्फेक्शन करता है जिब्रैला फ्यूजिकोराई का इन्फेक्शन होता है तो वो किस में होता है वो राइस में ही तो होता है है ना हाँ ओके हाँ सी राइट आंसर सी नहीं बेटा बी राइट आंसर होगा राइस और हो राइस चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सालमोना पुलो सालमोना पुलोरम कॉज विच वन ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज तो सालमोना पुलो सालमोना पुलोरम जो है कौन सी बीमारी करता है कौन सी डिजीज को कॉज करता है क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिजीज़ या फिर आपका कॉलीबेसिलस या फिर बेसिलरी वाइट डायरिया या फिर रानीखेत तो राइट आंसर क्या होगा बेटा बताओ

तो बेसिलरी वाइट डायरिया सी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो पोल्ट्री में होता है बेटा ये बेसिलरी वाइट डायरिया ठीक है पैसिलरी वाइट डायरिया जो है बेटा ये पोल्ट्री में होने वाला इन्फेक्शन है बच्चों और इस इन्फेक्शन को सालमोनेला कॉज करता है मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पोल्ट्री में मैक्सिमम टाइम जो इन्फेक्शन होता है ना वो सालमोने साल्मोनेला का होता है पोल्ट्री मीट में सब कहा जाए देखा जाने जाने वाला सबसे बड़ा जो इन्फेक्शन है वो साल्मोनेला का है ठीक है तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको पोल्ट्री में मिलेगा ही मिलेगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल टू ह्यूमन एंड वाइस वर्सा इज डैश एंड डिस्क्राइब बाय डैश बताइए कार्विंग रॉबर्ट कोच पार्चूरीशन रुडोल्फ विर्चो किडिंग जीवी सिंह और जूनोस रुडोल्फ विर्चो राइट आंसर क्या होगा बताओ मैम ये बताओ कि बीएससी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम होता है आ, उसके लिए प्रिपरेशन करवाते हो क्या आ, एक मिनट एक में बीएससी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम बेटा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए नहीं बी एग्रीकल्चर जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना उसके लिए क्योंकि जब बी एग्रीकल्चर के लिए आप पढ़ते हो तो उसके लिए तो आपको ट्वेल्थ आपका अच्छे से होना चाहिए ट्वेल्थ के जो सब्जेक्ट हैं वही आपको पढ़ने हैं लाइक लाइक केमिस्ट्री लाइक बायोलॉजी या मैथ्स जो भी आप पढ़ते हो वो आपको अच्छे से पढ़ने फिर उसके बाद आप मतलब अच्छे एग्जाम के थ्रू आई सी आर में आई सेलेक्ट होते हो फिर उसके बाद आप बी एस सी एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हो तो वही सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद जब आप बी एस एग्रीकल्चर कर देते हो तो उसके बाद जो जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो उसके सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ाए जाते हैं ओके सो ऑल द स्टूडेंट्स आर सेंगे डी इज राइट आंसर सारे बच्चे कह रहे हैं डी राइट आंसर होगा तो बेटा जुनॉन यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा तो कोई भी डिजीज अगर वो एनिमल से ह्यूमन में हो, रही है, या से में हो रही है तो बेटा ने इसके बारे में बताया था चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है मैक्रोसिस्टिक एनिमिया इन्फेक्शन तो बेटा जो मैक्रोसिस्टिक एनिमिया है ये इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है एनएसएल एफ एच फोर पेंटाथॉइनिक या फिर बी थ्री या फिर बाइटेन राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए वेरी गुड आफ्टरनून योगेंद्र वेलकम इन द सेशन बेटा टेंथ बेस पर ही होता है मैम पर देखो बेटा एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना उनके लिए ये वाली क्लासेस सबसे बेस्ट है ठीक है तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उनके लिए इन क्लासेस को से आप पढ़ सकते हो ठीक है सिक्स सेमेस्टर सिक्स ईयर का प्रोग्राम होता है एच ए यूनिवर्सिटी में जो आफ्टर टेंथ होता है बेटा देखो जहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे उनके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो ठीक है और बाकी अगर आपका हिंदी वाला क्लास है तो हिंदी वाला क्लास आपका ठीक बारह बजे होता है रोज ठीक है तो उसको आप देख सकते हो आधे घंटे का होता है ओके बायोटीन 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 तो बच्चे कह रहे हैं बायोटीन नहीं बेटा एफ एच फोर और आपका फलासिन हो जाएगा ठीक है तो मैक्रोसिस्टिक एनिमिया जो है बेटा ये बेसिकली फुलासन कॉस करता है जिसको हम बोलते हैं एफ एच फोर ठीक है चलो बायोटिन बिल्कुल भी नहीं होगा तुम नलायक भूल जाते हो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द मेल चिक्स एट द एज बिलो एट मंथ इज नोन एज तो बेटा आठ महीने के बाद आठ महीने सॉरी आठ महीने से कम एज के जो चिकन होते हैं बेसिकली उनका मेल उनके टेस्टिस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है Hatching, debaking, canonization, या फिर ब्रूडिंग राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए राइट right आंसर क्या होगा बेटा बताइए वेरी गुड आफ्टरनून राज नंदिनी वेलकम इन द सेशन बेटा मैम भूल गए अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं तभी तो मैं रिविजन करवाती हूँ ताकि मेरे बच्चे भूले नहीं उनको याद रहे सारी चीज़ें मुझे पता है ना जुनून के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे है ना कैनोनाइजेशन पक्का बिल्कुल सही है कैनोनाइजेशन ठीक है तो कैनोनाइजेशन की प्रोसेस जो होती है बेटा इसमें क्या होता है ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपके पास आई बी में पूछा जा सकता है तो जो आठ महीने से कम के जो चिकनस होते हैं उनकी बॉडी से टेस्टिस को रिमूव करा जाता है और बेटा इनकी बॉडी से जो टेस्टिस रिमूव करा जाता है इस प्रोसेस को कैननाइजेशन बोला जाता है ठीक है चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा ये सो so, आपसे पूछ रहा है कि द फ्लॉक शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्रोअर टू लेयर हाउस आठ एटीन टू ट्वेल्व ट्वेंटी वीक्स एज फॉर द एग प्रोडक्शन तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो फ्लॉक्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करा जाता है ग्रोअर से ग्रोअर से लेयर हाउसेस में ठीक है अट्ठारह से बीस हफ्ते तक की एज के चिकन्स को उनके एग प्रोडक्शन के लिए तो इसे क्या बोला जाएगा ग्रोअर मैनेजमेंट लेयर हाउसिंग हाउ ग्रोअर हाउस या फिर लेयर मैनेजमेंट बताइए मैम एग्रीकल्चर कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है क्योंकि टेंथ पास आउट होने के बाद थ्री मंथ मिलता है मैम प्रिपरेशन के लिए आजाद वर्मा बेटा देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट करते हो ना तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रैटेजी ठीक है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो देखो बेटा किसी भी चीज़ को ना ख़त्म करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपने उससे कुछ गेन नहीं किया आपने पढ़ने को पूरी एक बुक पढ़ ली लेकिन उस बुक में क्या है वो आपको समझ नहीं आया या फिर वो चीज़ें आपको याद ही नहीं है तो एट द एंड जब आप एग्जाम देने बैठे हो आपको कुछ आता ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका जीरो आपने वो बुक आधी पढ़ी है लेकिन आपको सब पता है कि यार मैंने कितनी कितनी चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उनको आप बहुत अच्छे से कर ले रहे हो तो ये चीज़ मैटर करती है क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर क्वान्टिटी ऑफ स्टडी डजेंट मैटर ठीक है तो बेटा जो आप पूछ रहे हो कि कितने आ, कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा तो बेटा ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका सिलेबस है पहले उसे देखो और उसमें ये चीज़ देखो कि कितनी चीज़ें मुझे आती हैं कितनी चीज़ें नहीं आती और उसके अकॉर्डिंग आप सोचो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखो ठीक है चलो

मैम जुनून क्लास से प्लांट पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री इंटरेस्टिंग लगने लगी है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप भी उसे इतने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो ना इसलिए चलो ठीक है शीप 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 ओके बच्चे कह रहे हैं शीप बिल्कुल बेटा शीप और हॉर्स ऐसे जानवर होते हैं जिनके टीट्स में टीट्स मतलब जहाँ से आप जो अडर्स होते हैं ना इनके अडर्स तो अडर्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है टीट्स जैसे ऐसे होता है ना इनके अडर्स इस तरीके से होते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट जहाँ से आप दूध निकालते हो इसे बोला जाता है टीट्स और इनमें हेयर्स यानी कि बाल होते हैं तो सारे जानवरों में बाल नहीं होते जैसे गाय है भैंस है बकरी है इनमें बाल नहीं होते तो घोड़े और भेड़ में इनमें बाल होते हैं ठीक है हाँ शीप पक्का बिल्कुल सही चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज़ नॉट बैक्टीरियल जोनॉटिक डिजीज़ तो आपको ये बताना है कि कौन सा डिजीज़ बैक्टीरियल तो है लेकिन नॉट सॉरी नॉट बैक्टीरियल जोनॉटिक वो बैक्टीरियल नहीं है लेकिन जोनॉटिक डिजीज़ है ठीक है एंथ्रेक्स प्ले साल और कैंडिडियासिस। बताइए बेटा, राइट आंसर क्या होगा? बताओ। सबको जानते हैं शीप को नहीं जानते हैं वो शीप ही होना चाहिए ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल शीप में होता है ठीक है चलो अब बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा राइट right आंसर क्या होगा बताओ बी ओके तो बच्चे कह रहे हैं कैंडिडियासिस ओके नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल सही बताया है बेटा बिल्कुल सही बताया है जोनोटिक इन्फेक्शन तो है कैंडिडियासिस लेकिन इसमें अरे यार इसमें र्यूमन आ गया गलती से आई थिंक ओके 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 एक मिनट एक मिनट इसमें गलती से र्यूमन आ गया है कैंडिडियासिस राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कैंडिडियासिस राइट आंसर हो जाएगा तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम आंसर देखें एक मिनट पहले तो एंथ्रेक्स क्या है बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है बैसिलस एंट्रेसिस कॉज करता है। अलग हो गया ठीक है दूसरा प्लेग प्लेग भी हमारा क्या है बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये भी अलग हो गया जूनोटिक है फैलता है लेकिन अलग हो गया साल्मिलॉसिसला है ही बैक्टीरिया तो सीधी सी बात कैंडिडियासिस तो कैंडिडा क्या है बेटा फंगस है ये भी ऐसा इंफेक्शन है जो ह्यूम में फैलता है लेकिन ये फंगस है ठीक है तो नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन चलिए आगे चलते हैं पेयर ऑफ टीट्स प्रेजेंट इन अ पिग्स पिग्स में कितने ऑफ ऑफ पेयर होते हैं एंड राइट आंसर बताइए क्या होगा मैम फुल सेशन सीरीज़ पढ़नी है मैम तो इसके लिए क्या चार्ज लगेगा लेक्चर के लिए बेटा ये डिपेंड करता है कि आपको किससे पढ़ना है ठीक है आप बोल रहे हो कि टेंथ लेवल पे है आपकी स्टडीज़ आप टेंथ के बाद एग्जाम होता है और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ना सारे ग्रेजुएशन के हैं ठीक है तो बेटा उसके लिए पहले आप एक बार सिलेबस देखो अपना ठीक है आई विल ऑल्सो ट्राई आप मुझे एग्जाम बता देना फिर मैं देख लूंगी कि आपका सिलेबस क्या क्या है ठीक है तो बाकी बेटा आप लोग आप एक काम कर सकते हो कि जो पहले हमारी सीरीज है उनको देख लो जैसे ये ये जुनून क्लास है है मेरा ये होता है प्लांट डिजीज के लिए जितनी भी पौधों में होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ और जानवरों के बारे में जानवरों की बीमारियां कैसे वो होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोनों तो पहले एक बार आप सीरीज देख लो फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना ठीक है मैम कोर्स लेना है पर कैसे ले सकते हैं बेटा अभी तो पहले डिटेल वो ही चल रहा है बैच चल रहा है पूरा अभी तो मेरे हिसाब से तो पहले बैच में ले लो क्योंकि प्री और मेन्स क्या है आरबीपीएस एफ ओ का ठीक है चलो तो बेटा पास से नहीं देखा कभी बहुत सारे होते हैं सेवन होते हैं ठीक है बहुत सारे ओके okay. चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है मेटिंग ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल टू प्योर ब्रीड ओवर द सेवरल जनरेशन इज नोन एज ग्रेडिंग अप तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि जो मेटिंग करवाते हैं हम नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल की किसी प्योर ब्रीड से तो बहुत सारी जनरेशन तक उसको ग्रेडिंग अप बोला जाता है अब इस क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस क्वेश्चन में ही दे दिया है तो जब भी आप हाँ किसी नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल यानी कि जिसका आपको अता पता नहीं है कि उसमें आ, किस तरीके से आपकी जो उसकी पहली जनरेशन क्या थी उसके पेरेंट्स क्या थे तो उसको जब किसी आप प्योर ब्रीड से क्रॉस करवाते तो उसको ग्रेडिंग अप बोला जाता है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा ओके ओके बेटा प्रतिभा मैम की उड़ान है ठीक है उड़ान आप लोग पढ़ते भी हो ठीक है तो उनकी मैराथन आ रही है ठीक बारह बजे कल संडे को तो आप सभी को जुड़ना है इसमें ठीक है बेटा छह अगस्त को आ रही है चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है झकराना डिब्रीड ऑफ गोट बिलोंग्स टू विच स्टेट तो जो झकराना है कौन से स्टेट को बिलोंग करती है एम यूपी गुजरात और राजस्थान बताओ राइट आंसर क्या होगा मैम मुझे आ, मुझे तो मैम आपकी ही आ, पढ़ाया हुआ समझ आता है आज पहली बार आपकी क्लास पर मुझे आपकी क्लास सबसे बेस्ट लगी है मैम ओके 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 तो आजा पहले बेटा आप एक बार मेरी सारी क्लासेस देख लो ठीक है फिर उसके बाद मैं भी एक बार आपके एग्जाम को देखूंगी जो भी एग्जाम आप बोल रहे हो मुझे तो एक बार मुझे एग्जाम का नाम भेज देना तो उसके बाद मैं खुद देख लूंगी कि किस टाइप का सिलेबस है किस लेवल का उसमें आएगा ठीक है क्योंकि मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकती ना कि बैच में इनरोल कर लो क्योंकि बैच में इनरोल तो वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे करते हैं अब आप बोल रहे हो कि टेंथ लेवल पे है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें अब मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती बेटा ठीक है चलो अगर आप ग्रेजुएशन की होती तो मैं बोल देती कि बैच में एनरोल कर लो ठीक है चलो तो आप एक बार पहले मेरी पूरी सीरीज देख लो जुनून की बाकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी ठीक है तो उनको पढ़ लो आप एक बार अच्छे से ठीक है राजस्थान मिल्च ब्रीड ओके राजस्थान मिल्च ब्रीड सारे बच्चे कह रहे हैं राजस्थान मिल्च ब्रीड तो बिल्कुल सही बेटा झकराना जो ब्रीड है ये गोट यानी कि बकरी की ब्रीड होती है और ये राजस्थान में मिलती है ठीक है बच्चा चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर केसीन फॉर्म ऑफ टोटल प्रोटीन तो केसीन जो है बेटा ये मिल्क प्रोटीन यानी कि दूध में जो प्रोटीन होता है वो सबसे अत्यधिक केसीन से बना होता है ठीक है तो इसमें केसीन का कितना परसेंटेज होता है ये आपसे पूछ रहा है तो बेटा सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट सेवेंटी टू सेवेंटी वन परसेंट फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट और एटी टू एटी थ्री परसेंट राइट आंसर क्या होगा बेटा जल्दी से बता दो बी एस सी हॉर्टीकल्चर का कोर्स लेना है कैसे ले सकते हैं बेटा बी एस सी हॉर्टिकल्चर के लिए आप अकासर का ले सकते हो अगास अगर आज आप शाम को देख लेना एक बार क्लास और बाकी आप आगासर का आगास बैच ले सकते हो ठीक है उस आगास बैच के लिए आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो Y447A ठीक है इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आगासर का बैच मिल जाएगा चलो 8283 ओके डी तो बच्चे कह रहे हैं कि डी राइट आंसर होगा ओके okay, तो बेटा बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा एट्टी टू एट्टी थ्री परसेंट यानी कि अस्सी से तिरासी प्रतिशत जो होती है केसिन की मात्रा पाई जाती है मिल्क प्रोटीन में ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा हिमोरेजिक सेमिया इज कॉज बाय विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इन एनिमल्स तो बेटा एक बीमारी होती है ब्लड इन्फेक्शन की हिमोरिजिक सेप्टिसीमिया उसको बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये बीमारी कौन करता है ये डिजीज कॉज कौन करता है पास्टूरेला या फिर बैसल एंथ्रेसिस करेगा क्लोस्ट्रीडियम करेगा या फिर करेगा तो बच्चा लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा चलो बताओ अच्छा आज दीपांजलि भी आई हैं ओके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा क्या मैम वो कहाँ से मिलेगा आजाद आप एक काम करो बेटा आप ना इस वीडियो के नीचे एक ऐप लिंक लगा हुआ होगा ठीक है तो उस ऐप लिंक से आप क्या करो उसको उस पर क्लिक करो वहाँ से आप पहले ऐप को इंस्टॉल करो ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ये एक कैटेगरी का तो उसमें एग्रीकल्चर पे चले जाना जब आप उस कैटेगरी को चूज़ करोगे ना तो सबसे नीचे की तरफ आपके पास वो आ जाएगा कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा क्लिक करना ऊपर फैकल्टीज आएंगे जो हिना मैम आएगा उस पर क्लिक कर देना अब वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना तो वहाँ पर आपको कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा और मैं उसमें आपको बता दूंगी कि कैसे आपको उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे तो उसमें आपको खुद मेरे पी भी मिल जाएंगे जहाँ से आप मेरे नोट्स को भी पढ़ सकते हो ठीक है चलो अब बताओ बेटा ए ए ए ओके तो बच्चे कह रहे हैं ए राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बेटा ए राइट आंसर हो जाएगा पार्चुरैला मल्टीकोडा अब आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ये तो डिवॉर्मिंग के लिए पोल्ट्री बर्ड में क्या यूज करा जाता है कौन सा ड्रग यूज करा जाता है कौन सी दवाई दी जाती है एंटीवायरल और एंटीपायरेटिक बताइए बच्चों राइट आंसर क्या होगा बताओ राइट आंसर क्या होगा बेटा राजेश गुजर आज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन हंड्रेड परसेंट हो गया क्या हंड्रेड परसेंट हो गया एंथेलमेंटिक ओके तो बिल्कुल सही बेटा एंथेलमेंटिका रीज़न भी मैंने बताया था आप लोगों को है ना चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा चलिए बताइए डैश ब्रीड एवरेज डेली डेली ये वेरीज फ्रॉम द जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव के जी फॉर द लेक्टेशन लेंथ इज अबाउट फोर मंथ बीटल बारबरी जमुनापारी और आसमानाबादी राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जो एवरेज डेली यील्ड देती है और इसकी जो यील्ड है 0.5 से 1.5 पॉइंट होती है पूरे लेक्टेशन में और इसका जो लेक्टेशन है वो चार महीने का होता है तो बताइए बेटा राइट आंसर क्या होगा बताओ ये आपसे पूछ रहा है कि कोई एक ऐसी ब्रीड है जो चार महीने जिसका जो लैक्टेशन लेंथ है वो चार महीने का है ठीक है लगभग जो, लग जो दूध देती है चार महीने देती है और इसका जो दूध होता है बेसिकली वो जीरो पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव के जी तक होता है तो बताओ कौन सी होगी बताओ मैम यू आर द बेस्ट टीचर इन एग्रीकल्चर थैंक यू सो मच आजाद

कोई अनडिज़ायरेबल एनिमल की जिसे डिजीज़ हो गई या बीमारी हो गई है उसको अलग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सिलेक्शन कलिंग ग्रेडिंग अप या फिर नन ऑफ दीस राइट आंसर क्या होगा बेटा बताइए जल्दी बता दो डी ओके okay, तो नन ऑफ दीज नलाइको नन ऑफ दीज बोल रहे हो कलिंग बिल्कुल सही बताया है कलिंग ठीक है कलिंग राइट आंसर हो जाएगा तो बेटा कलिंग में हम क्या करते हैं कलिंग में हम बेटा जो भी डिजीज वाला एनिमल होता है जिसे कोई बीमारी हो गई है उसे हम बाकी पूरे ग्रुप से अलग कर देते हैं ताकि वो बीमारी बाकी जानवरों को ना हो और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कलिंग चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजिकल काउंट ऑफ मिल्क इज डिटेक्टेड बाई तो बेटा जो बैक्टीरिया के नंबर होते हैं ठीक है जो बीमारी करने वाले या डिजीज वाले बैक्टीरिया के नंबर होते हैं उनको हम कौन कौन सा सा टेस्ट टेस्ट करके करके डिटेक्ट करते हैं कौन सा टेस्ट करके हम ये पता लगाते हैं कि इस दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं है या सेडिमेंटेशन बताइए बच्चा लोग राइट आंसर क्या होगा बेटा ऑपोजिट ऑफ सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल चलो बताओ एम बी आर टी बिल्कुल सही मिथाइलिन ब्रू रिडक्शन टेस्ट तो बेटा एम बी आर टी टेस्ट हमें क्या बताता है कि उस दूध में कितने सारे बैक्टीरिया हैं तो इसमें क्या होता है बेटा हम एक ब्लू कलर की डाई यानी कि नीले रंग की डाई डालते हैं दूध में जिससे दूध का रंग नीला हो जाता है अब वो नीला रंग जितनी जल्दी फीका होगा ठीक है अब देखो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे ना उसमें जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे दूध में जो ऑक्सीजन है उसको उतना जल्दी जल्दी वो खाना शुरू करेंगे अब जित जल्दी जल्दी वो खाएंगे उतना जल्दी जल्दी वो नीला रंग जो है वो फीका पड़ता जाएगा हल्का पड़ता जाएगा और हमें ये पता चलेगा कि इसमें इसका मतलब जितनी जल्दी ये हल्का हो रहा है भाई जितने ज्यादा लोग हैं उतनी जल्दी काम करेंगे जितने कम हैं वो उतने धीरे काम करेंगे इसका मतलब जो जल्दी फीका हो रहा है उसमें उतने ज्यादा बैक्टीरिया है तो हम उस दूध को नहीं पियेंगे है ना चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है इन एनिमल ग्रास डिजीजेस ड्यू टू द डेफिशंसी ऑफ तो बेटा जो ग्रेस्टेनि डिजीज है ये कौन सी ये किसकी कमी से होती है सिलकन सोडियम मैग्नीशियम और सिलेनियम बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा मैम टेस्ट सारे याद करवाए थे आपने हाँ बिल्कुल करवाए थे चलो बताओ हंसा वॉटर का पता चला था बिल्कुल हंसा हंसा वाटर का नहीं है बेटा हंसा जो होता है वो काओ मिल्क और बफैलो मिल्क अगर दोनों में गाय और दूध का गाय और भैंस का दूध अगर मिला लो तो उसके लिए हंसा टेस्ट करते हैं ठीक है मैग्नीशियम शाबाश बिल्कुल सही बताया बेटा मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सवाई चाल सवाई चाल किसका फीचर है सवाई चाल किसका फीचर है बताओ बुल हॉलिकर नीली रावी या फिर नन ऑफ दीज फटाफट से बता दो बच्चा लोग राइट आंसर क्या होगा एम ओके okay, तो बिल्कुल सही अच्छा एम ओके okay, पहले वाले का ओके okay. तो बिल्कुल सही बताया बेटा कैंकरेज बुल जितने भी बच्चे कैंकरेज बुल बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है कैंकरेज बुल में हमें ये देखने को मिलता है सवाई शाल। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मोहेयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड तो बेटा मोहेयर वुल कौन सी ब्रीड से निकाला जाता है बताओ छेगु, नुबियन छेगु अंगोरा बताओ हाँ बिल्कुल 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 सही बताया बेटा तो ये हमें मिल जाएगा कौन सी ब्रीड में ये हमें मिल जाएगा अंगोरा में ठीक है चलो Uh, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला है हमारा हेरी मीट ब्रीड ऑफ शीप तो शीप की हेरी मीट ब्रीड कौन सी है मेरीनो होगी शफलॉक होगी नैलोर या फिर बलेरी होगी जल्दी बताओ हाँ बिल्कुल चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैलोर जो हमारी आंध्र प्रदेश की ब्रीड है क्योंकि नैलौर जगह कहाँ आंध्र प्रदेश में है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सुपीरियर कारपेट वूल किससे निकाला जाता है देकनी अविवास्त्रा अविकालिन या फिर नीलगिरी हाँ यू ये ये क्वेश्चन यूपी बीएड में भी आया था तो बहुत अच्छी बात है यूपी बीएड में आया था तो ओके 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 तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा आपका अविकालिन अच्छा बच्चों आज के क्वेश्चन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं ठीक है आप डायरेक्टली जाते हैं हम नीचे ये रहा बेटा आपका जुनून बैच ठीक है क्योंकि अभी टाइम हो गया है तो बेटा ये आपका जुनून बैच है इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो ठीक है अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो बेटा इस बैच में इनरोल करके आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाएंगे बेटा इसमें आपको प्लांट पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो इनरोल कैसे करना है बेटा आपको डायरेक्टली जाना है गूगल पर ठीक है जैसे ही गूगल पर जाओगे बेटा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टाइप करना है ये आ जाएगा आपके पास लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑल कोर्सेज में जाओगे ये गए ऑल कोर्सेज पे ऑल कोर्सेज में जाने के बाद ये रहा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर चूज किया और यहाँ पर एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्सेज आया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरा बैच ये जुनून बैच ठीक है इस बैच पे आप जाओगे बाय पे क्लिक करना है बाईनो पे क्लिक करके आपको वाई फोर फोर सेवन ए कूपन कोड लगाना है इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा सिर्फ छः सौ उनचालीस रुपये में तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में अपने ख्याल रखिएगा बाय थैंक यू हैव हाँ अ नाइस डे